बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर सब्सक्राइबर्स, आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल एंड ग्रेट इन योर लाइव्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद नास। इन टुडेज़ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ मेंट बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल सेल्स या गैमेट सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट इज़ स्पर्म एंड एग सेल्स, आर एब्सेंट। तो इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। So there are many types of or many methods of asexual reproduction. Some of those are binary fission, fragmentation, multiple fission, budding, spore formation, parthenogenesis, etc. In today's topic we are going to discuss binary fission in detail. Binary means two and fission means division. So the type of asexual reproduction in which a parent body or an organism's body divides into two parts is called binary fission. ये होती किन के अंदर है? It occurs in prokaryotes. Prokaryotes क्या होते हैं? The organisms in which prominent nucleus is absent. Then many unicellular eukaryotes. Eukaryotes mean the organism that have prominent nucleus and they are made up of only one cell, that is unicellular. And some invertebrates. So invertebrates in the organism in which vertebral column is absent. हम वन बाय वन देखते हैं इन तमाम के अंदर कि बाइनरी फिशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स, मींस इन बैक्टीरिया। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया, सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए पेरेंट सेल का जो होता है एक बैक्टीरियम का, वो क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। जब डीएनए डुप्लीकेट करता है, मींस के एक डीएनए दो में डिवाइड होता है, तो डीएनए की जो कॉपीज होती हैं वो एक उसी पेरेंट सेल बॉडी के अंदर अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करती हैं? मूव करना शुरू करती हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद वो जो पेरेंट सेल था उसके सेंटर में एक क्लीवेज बनती है। क्लीवेज क्या करती है? उन एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देती है। अब वो जो एक बैक्टीरियम से दो डॉटर बैक्टीरिया बने हैं, टू डॉटर बैक्टीरिया, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट बैक्टीरियम की। मीन्स कि उनके अंदर भी साइटोप्लाज्म बिल्कुल वैसा ही होता है और डीएनए के भी वही कंटेंट और सेम वैसा ही होता है जैसा कि पेरेंट सेल के अंदर था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्या है? पेरेंट सेल है, फिर उसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट हुआ है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है, फिर वो जो सेल मेम्ब्रेन थी वो दरमियान से इन्वेजिनेट हुई है, जिसकी वजह से एक पेरेंट सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो गया है, एंड दैन टू डॉटर सेल्स आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फिशन इन यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मींस के प्रोटोजोआ। तो उसके अंदर भी सेम ऐसा ही होता है जैसा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर था। इसमें सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे अब डीएनए की जगह न्यूक्लियस का टर्म हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यूकैरियोट्स मैंने जैसे पहले बताया है आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो इसमें भी पहले क्या होता है कि एक पेरेंट अमेबा है, ठीक है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल है, उसके अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर सेम डॉटर न्यूक्लियाए जो हैं, मीन्स के दो न्यूक्लियस बने हैं जो एक न्यूक्लियस के डिवाइड होने से, वो न्यूक्लियाए क्या करेंगे? अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, सेल से दो होंगे और दो डॉटर अमेबा क्या बन होंगे? बन जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, पेरेंट अमेबा है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर टू न्यूक्लियाई में गया है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है और टू डॉटर सेल्स बने हैं, दैट आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट अमेबा सेल। फिर आगे हम देखते हैं बाइनरी फिशन इन इनवर्टिब्रेट्स, मीन्स इन प्लेनेरिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू हाफ्स के अंदर कट हो जाती है, मींस उसके अंदर फिशन हो जाती है, तो जो मिसिंग पार्ट है बॉडी का वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाता है ड्यू टू माइटोसिस, दैट इज़ द काज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो टाइप होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये प्लेनेरिया के अंदर एंड मैनी एकाइनोडर्म्स के अंदर होती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट प्लेनेरिया है, उसकी बॉडी जो है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई, हेड अलग हो गया, उसकी टेल अलग हो गई है। तो हेड के साथ उसका मिसिंग पार्ट रीजनरेट हो गया, मींस के टेल, और टेल के साथ उसका मिसिंग पार्ट दैट वाज हेड रीजनरेट हो के दे हैव प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट अमीबा। फिर इसी बाइनरी फिशन के अंदर हम कंसिडर करते हैं इसी की आप सब टाइप कह लें, मीन्स के मल्टीपल फिशन। अब बाइनरी फिशन में क्या था कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होके टू बॉडी के अंदर या टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। मल्टीपल फिशन के अंदर जैसे कि नाम से जाहिर है कि पेरेंट सेल डिवाइड होके मोर देन टू कॉपीज क्या करेगा या मोर देन टू डॉटर सेल्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये अक्सर होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन के अमेबा के अंदर। अब होता क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, जब मीन्स के अमेबा डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनकी पेरेंट बॉडी के इर्द गिर्द एक हार्ड वाल बन जाती है, उस हार्ड वाल को हम नाम देते हैं सिस्ट का। फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती हैं तो फिर पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है दो से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई में, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं बाय रिपीटेड फिशन। अब इसमें क्या होता है, फिर पहले न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होगी, फिर इसी तरह जो है फिर वो हर सेल के क्या होगा, हर सेल अलग हो जाएगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा हर डॉटर सेल के अंदर, और इसी तरह न्यूक्लियस भी होगा जैसे हमने पीछे देखा था। तो क्योंकि एक सिंगल पेरेंट सेल से बहुत से डॉटर सेल्स एट द सेम टाइम रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं मल्टीपल फिशन का। इसमें आप देख सकते हैं पेरेंट सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में इनके अर्गेद, इस पेरेंट सेल के अर्गेद हार्ड वॉल बनी है जिसको हमने सिस्ट का नाम दिया है। अब एक न्यूक्लियस डिवाइड हो के बहुत से न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो गया है। अब जब न्यूक्लियाई बना है तो फिर उसके बाद पेरेंट सेल के साइटोप्लाज्म ने भी डिवाइड किया है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, सिस्ट ब्रेक होगा, मतलब उनकी जो हार्ड वॉल थी ब्रेक होगी, और डॉटर सेल्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, और इसी तरह से फिर वो मज़ीद फिशन करके न्यू बॉडीज़ जनरेट करेंगे। होप्सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह।